जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से तबलीगी जमात संबंधित प्रकरण एक महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। बहुत से लोग जो निजामुद्दीन दिल्ली में तबलीगी जमात में शामिल थे, उन लोगों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है। ऐसे में हम लोग उत्तराखंड में भी इसके प्रति गंभीर हैं। हमने एक डाटा इकट्ठा किया है, 1 मार्च के बाद जो भी लोग तबलीगी जमातों में शामिल होने के लिए बाहर से उत्तराखंड आए, उनका हमने डाटा इकट्ठा किया, तो ऐसे कुल 325 लोग हमारे आए 1 मार्च के बाद, और उनमें से 9 वापिस चले गए। तो इनको हमने आइडेंटिफाई करके 260 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया है और 56 लोगों को होम क्वारंटीन किया है, उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल देंगे। इसी तरह से हमारे यहां से जो बाहर गए, जो दूसरे प्रदेशों में तबलीग में शामिल होने के लिए बाहर गए, कुल 383 लोग गए 1 मार्च के बाद, उनमें से 26 लोग हैं जो अभी तक वापिस नहीं आए, और बाकी लोगों को हमने सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन या होम क्वारंटीन में डाल दिया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया 285 लोगों को और होम क्वारंटीन किया है 72 लोगों को। इनको भी दोनों तरफ के जो होम क्वारंटीन के कुल 128 लोग हैं, इनको भी हम जल्दी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल देंगे। इसके अतिरिक्त आज देहरादून में 7 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो बेहट जमात में शामिल होने गए थे और वहां से पैदल पैदल जंगल के रास्ते चोरी छिपे डोईवाला की तरफ जा रहे थे, तो हमने इनके विरुद्ध FIR भी दर्ज कर दी है और इनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में डाल दिया है। अब हमारा एक अपील है सबसे कि जो भी लोग हैं 1 मार्च के बाद या तो वो बाहर से आए हैं या हमारे लोग वापस लौटे हैं, वो कृपया करके स्वयं ही प्रशासन के सामने आ जाएं, तो ऐसे में उनके विरुद्ध FIR नहीं होगी, उनकी बल्कि सहायता की जाएगी, मेडिकल उनको हेल्प की जरूरत होगी वो दी जाएगी, क्वारंटीन करना होगा वो किया जाएगा, किंतु उनको किसी तरह से परेशानी नहीं होगी। ये खुद उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है और बाकी सभी उनके परिवार की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो इस चीज को छुपाए ना, छुपा करके वो खुद को धोखा दे रहे हैं, बल्कि वो खुद सामने आए, और अगर हमने इनको चोरी छिपे आते हैं ढूंढा तो फिर हम FIR जरूर दर्ज करेंगे। मैं औरों से भी अपील करता हूं उनके परिवार वालों से कि वो भी इनको समझाएं और प्रशासन के सामने लेकर के आएं। इसी में आपकी हमारी सबकी भलाई है और इसी तरीके से कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई है वो सफल हो सकती है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड के 4 अप्रैल तक का डाटा अगर हम देखें कुल कार्रवाई का पुलिस का, तो 4 अप्रैल तक हमने 3368 लोगों को गिरफ्तार किया है, 784 FIR दर्ज किए हैं, 2970 वाहन सीज किए हैं इसके लॉकडाउन के उल्लंघन में, और कुल 48,10,000 रुपए का जुर्माना।